खेल मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क स्टेडियम में बने नवनिर्मित प्लेयर्स पवेलियन व जिम का किया लोकार्पण। कानपुर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क स्टेडियम में बने नवनिर्मित प्लेयर्स पवेलियन व जिम का लोकार्पण खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण खेलों और खिलाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बताते चलें कि कोरोना काल के चलते पिछले वर्ष से रुकी अंशकालिक प्रशिक्षण की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगी हैं। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में सभी स्टेडियमों में अंशकालिक प्रशिक्षक तैनात हो जाएंगे। इसके लिए मुंबई की कंपनी TNM को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो खेल निदेशालय के ही अनुभवी खेल शिक्षकों द्वारा 12 मार्च को ट्रायल कराएगी। आपको बताते चलिए कि प्रदेश में पहली बार अंशकालिक प्रशिक्षक भर्ती जैम पोर्टल द्वारा की जा रही है। कानपुर के ग्रीन पार्क में भी 12 अंशकालिक प्रशिक्षक पिछले वर्ष तैनात थे। लोकार्पण कार्यक्रम में खेल मंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, नीलमा कटियार, विधायक सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी, अरुण पाठक, महापौर प्रमिला पांडे समेत भाजपा के कई नेताओं के अलावा मंडला आयुक्त डॉक्टर राजशेखर, खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह, अक्षय त्रिपाठी, उप निदेशक खेल मुद्रिका पाठक, साथ ही MHPL के मैनेजिंग डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल और डायरेक्टर प्रणव अग्रवाल उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया, इस रेस्ट रूम है, यहाँ पर खिलाड़ी अपना सोना बात ले सकते हैं, सारी की सारी सुविधाएं मतलब अंतर्राष्ट्रीय सर्विस के लेटेस्ट सुविधाओं से ये सुसज्जित है। तो कानपुर महानगर के लिए सौभाग्य की बात है। मुझे विश्वास है कि अब इसके बाद कानपुर महानगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मैचेस होते हैं जो पिछले कुछ समय से नहीं हुए, अब उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा और कानपुर महानगर के इस ग्रीन पार्क में। इसीलिए मैंने कहा पेविलियन बना है, अब मैच बनेगा। कानपुर महानगर में हमारे कुलदीप यादव हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हम लोग। कानपुर महानगर का कोई भी बच्चा निकल कर जिस समय उन ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचता है तो हम सबके लिए गौरव की बात होती है। मुझे नाम लेते हुए अच्छा लगता है कि हमारे कानपुर के, जिस समय जो भी ऐसे आपने मैनेजर रहे रवि शास्त्री जी, बहुत सारे ऐसे लोग जिस समय इस सुविधाओं को देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके द्वारा भी कहा जाएगा कि कानपुर महानगर में मैच होना चाहिए, क्योंकि अब लेटेस्ट सुविधाएं जो पूरी दुनिया में उपलब्ध है वो कानपुर में उपलब्ध है। MHPL कंपनी के द्वारा कानपुर महानगर में कई प्रकार के काम किए गए, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया, ये भी बहुत अच्छा है। पूरी गुणवत्ता के साथ और पूरे मानकों के साथ मैं घूमा हूँ, पूरे देखा मैंने, हर चीज परफेक्ट मिली है। उसके साथ ही कानपुर महानगर में विभिन्न स्थानों के ऊपर कानपुर महानगर को सुंदर बनाने के लिए, एक सजाने के लिए जो MHPL के द्वारा काम किया जा रहा है, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारी मेयर आदरणीय प्रमिला पांडे के नेतृत्व में कानपुर एक नया स्वरूप धारण कर रहा है, उसी श्रृंखला में ये भी। डायरेक्टर प्रणव अग्रवाल ने बताया, में एक नया अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्लेयर्स पवेलियन कम आधुनिक ड्रेसिंग रूम बनाया गया है, जो आवास विकास परिषद ने बनाया है। उसके निर्माणकर्ता कंपनी MHPL इंडिया है, उसके डायरेक्टर मैं प्रणव अग्रवाल हूँ। हम लोग ने ये स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू प्लेयर्स एंड पवेलियन एंड मॉडर्न ड्रेसिंग रूम यहाँ ग्रीन पार्क स्टेडियम के अंदर बनाया है। ये पूरा पवेलियन पूरी फर्स्ट बिल्डिंग है जो प्री इंजीनियर्ड स्टील कंपोजिट बिल्डिंग है। पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन टाइम 1 ईयर ही था और इसको विदेश व राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने बहुत बहुत ही तारीफ़ की है। जैसे कोर्टनी वॉल्स यहाँ पर आ चुके हैं, रवि शास्त्री आ चुके हैं, सुरेश रैना आ चुके हैं, कुलदीप यादव आ चुके हैं और बहुत ही सारे नेताओं और मंत्रियों और IAS अफसरों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस लेवल की परियोजना कानपुर में बनवाई। आज हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना जी आए थे और हमारे आदरणीय खेल मंत्री जी उपेंद्र तिवारी जी आए थे, हमारे कानपुर शहर के सभी विधायक और ऑफिसर्स जिसमें कमिश्नर साहब और DM साहब सब आए थे। कानपुर से निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।